अपने आप रिस्टार्ट हो रहा है, फिर 4-5 मिनट तक रिस्टार्ट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। फिर थोड़ी देर तक 5-6 बार रिस्टार्ट ही होता रहता है। रिस्टार्ट में पीसी जब रिस्टार्ट कर दो तो थोड़ी देर चलता है, फिर से रिस्टार्ट होने लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेकवर्ट नामक चैनल में स्वागत है आपका। और आज दोस्तों ये प्रॉब्लम आपने सुनी ली होगी, ये दोस्तों सिस्टम जो है चलते चलते बार बार रिस्टार्ट हो रहा है और ब्लू स्क्रीन के साथ एडवांस ऑप्शन आ जा रहा है। तो मैंने जहाँ तक इसको एनालाइज किया है तो ये प्रॉब्लम जो है जो बैकग्राउंड में अपडेट जो लेती रहती है विंडोज, तो कुछ अपडेट ऐसे होते हैं, कुछ ड्राइवर जो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इससे बचने का तरीका एक ही है, वैसे समझना बड़ा मुश्किल है कि आप जो है क्या करें। अभी जो है मैं इसको F8 से विंडो बूट पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में ये आया नहीं दोस्तों। तो मैंने जो है एक तरीका अपनाया, पहले कोशिश करके देखी कि अगर ऐसे आ जाता है तो ठीक है, वरना बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो फिर मैंने जो है इसको दोबारा जब ये रीस्टार्ट वाली पोजीशन पर आया तो मैंने एडवांस पे जाके क्लिक कर दी। तो ये वीडियो जो है तब का है क्योंकि उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब मैं उस ऑप्शन पे आ गया। तो ये आप देख रहे होंगे अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट, इसमें थोड़ा समय लगता है। हाँ ये देखिए, चूज एन ऑप्शन, इसमें कंटिन्यू, फिर मैं प्रोसेस करते हैं एडवांस, एडवांस में अनइंस्टॉल अपडेट, अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी, तो आप ऊपर वाली कर दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों ये अनइंस्टॉल, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मैं कर चुका हूँ तो ये देख रहे हैं। उसके बाद से चलाते हैं और फिर इसे पूछते हैं और कंटिन्यू पे जाएंगे और आप यहाँ से इसको बंद करके या फिर रिस्टार्ट कर दीजिए, ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कुछ जब ये अब अपडेट हटते हैं वहाँ से तो थोड़ी देर विंडो अपने आप को रिपेयर करता है। तो बड़ी आसानी से ये प्रॉब्लम दोस्तों आपकी सॉल्व हो जाएगी। और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, अगर आपको पसंद आए और आपको लगता हो कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। एक सब्सक्राइब में कुछ जाता नहीं है, बस ये है कि थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ जाता है। ये देखिए, गेट विंडो रेडी, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है, आपको बंद नहीं करना। ये जो फाइलें हैं वो नेट कनेक्ट होना चाहिए, पहली बार इसमें नेट कनेक्ट होना चाहिए। तो ये अब क्योंकि सारे अपडेट हट चुके हैं तो अपने आप को थोड़ा रिपेयर करता है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, विंडो आप न्यू विंडो इंस्टॉलेशन करें तो शायद चली जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और समय समय पे सर्विसेज में जाके इसका जो विंडो अपडेट है वो डिसेबल करते रहें, ठीक है। इस टॉपिक में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि आप विंडो अपडेट कैसे ऑफ करें। नहीं अगर आपको मिले तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट पर आपको जवाब दूंगा दोस्तों। देखिए सिस्टम, अब जिसका सिस्टम ये किया था मैंने, अब उससे रिव्यू लेते हैं कि उसके बाद नहीं बंद हुआ।